जाए। इससे अच्छा है सीबीआई जांच होना चाहिए, नहीं तो नीतीश बाबू आप मुझे गोली मार दीजिए, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अरे मेरी मम्मी अभी भी 56-57 साल 58 साल का है, खेती करके पैसा देता है, कहाँ कहाँ से पैसा लाते हैं हम जानते हैं। पापा और भाई ड्राइवरी करता है, कहाँ कहाँ से पैसा लाता है, मजदूरी करके बाहर पलायन कर दिया है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? नीतीश बाबू मुझे गोली मारो, नीतीश बाबू मुझे गोली मार दो, इससे अच्छा ये क्या? ये हम छात्र बेरोजगार है, हम जूता पॉलिश करने के लिए तैयार है। छात्र बेरोजगार है, जूता पॉलिश करने के लिए तैयार है। क्या कहना है? सही बात है। कोई भी नीरज कुमार के डिबेट करवाइए। नीरज कुमार बोला है सरकार हम लोग की हम ही पूछे थे मंत्री जी से, बोलिए। नीरज कुमार कहते हैं पढ़े वाला नहीं है, तो नीरज कुमार से कहना है कि आगे डिबेट कर लीजिए, एक प्रश्न के उत्तर देंगे तो हम आंदोलन खत्म कर देंगे। उत्तर दे सरकार हमारी, अरे बीपीएससी खुल में पूछे उसे, पूछो सरकार हमारी कोई भी चीज सुन नहीं रही है। हम लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बार बार कोचिंग क्लास छोड़ के आ रहे हैं कि आखिर तो हमको न्याय मिले, फिर भी हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों ऐसा सरकार कर रही है? आपका क्या कहना है भाई साहब, ये जो पूरा मामला चल रहा है इसमें? ये तो बिल्कुल ही गलत हुआ है। ऐसा मेरे को रिजल्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं ना खुश हूँ, क्योंकि इस तरह से होंगे तो फिर मेंस एग्जाम या फिर आगे आगामी एग्जाम होने वाला है, उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि ऐसे ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए। बिहार सरकार के एक मंत्री साहब का कहना है कि न्यायालय खुला हुआ है, वहाँ जाना चाहिए। नीरज कुमार जी बोले कि लालू जी ने अपने राज्य में क्या किया? फुलवरिया में तो दिया नहीं नौकरी, तो हम खाली नालंदे में भर दिए हैं, तो उन पर भी जांच होगा। उनको तो जल्दी से जल्दी उनको इस्तीफा देना चाहिए। नालंदा के लोगों का ज्यादा नौकरी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नीरज कुमार जी अपने मुंह से बोले हैं, वो अपने मुंह से बोल दिया है कि हम नालंदा में भर दिए हैं, ठीक है। और अगर सरकार अगर नहीं मिला हुआ है, सरकार अगर नहीं मिला हुआ है तो सीबीआई जांच करा दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ऐसा उनको करना चाहिए। हम उधर जाकर बात करना चाहेंगे, छात्रों का साफ आरोप है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये तमाम प्रकार के आज भी हजारों छात्रों की संख्या है और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रही है। और भी हम खबरें अभी दिखाएंगे इन लोगों से मिलते हुए बात करने पे। यहाँ पर देख सकते हैं तमाम छात्र अपने अपने ढंग से बिहार दरोगा के लिए परिणाम का विरोध करते हुए, और छात्रों से जानते हैं क्या कहना है भैया आप लोगों का। 22 दिसंबर को दरोगा का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसके बाद से तब से हम लोग बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा धांधली हुआ, उसके बाद पेपर कैंसिल नहीं हो रहा है। और तब से हम लोग 6 गो किए हैं, रैली किए हैं, उसके बाद भी कैंसिल नहीं हो रहा है। हम लोग का एक ही मांग है, सीबीआई जांच हो और निष्पक्ष जांच हो। सीबीआई जांच किसी भी कोने में आप इस चले जाइए, सीबीआई जांच का छात्र साफ मांग करते हुए। और हम यहाँ पर और भी लोगों से मिलेंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे तमाम छात्र गाड़ियां रुकवाते हुए और तमाम प्रकार के। क्या कहना है आपकी, क्या कहना है आपका दिलीप जी? देखिए हम लोग विधान, हम लोग विधानसभा घिराव करने जा रहे हैं। ये नीतीश कुमार को बार बार हम लोग ज्ञापन दिए, नहीं मान रहे, हमारी मांग को नहीं सुन रहे, तो आज हम लोग विधानसभा घेरने जा रहे हैं। कुछ छात्रों का कहना है दिलीप जी, हमने आपका काफी रिपोर्टिंग किया है, तो कुछ छात्रों का कहना है कि आप कुछ लोग नेता बनना चाहते हैं। अगर हमको नेता बनना होता तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी वाले को बुला लेते, बहुत लोग आना चाह रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी हमको ये भी बोले कि हमारे पार्टी में आ जाइए, हम लोग चले जाते, लेकिन नहीं जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ छात्र हैं, छात्र की बात कर रहे हैं। हम लोग विधानसभा घेराव पर, यहाँ पर देख रहे होंगे तमाम छात्र विधानसभा के घेराव के लिए अभी जाएंगे या क्या करेंगे बता रहे हैं। और भी कोई छात्र बोलना चाहेंगे? सर हम लोग चाहेंगे कि सीबीआई जांच हो अच्छे से, इसमें कोई धांधली ना लोग, हम लोग बहुत मेहनत से स्टडी करते हैं, एग्जाम लीक हो जाती है पहले क्वेश्चन पेपर। हम लोग चाहेंगे नीतीश कुमार से इस पे मद्देनजर रखते हुए सीबीआई जांच करवाए। कहते हैं सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिले को पाने के लिए। यहाँ पर सुन रहे होंगे, हम अभी देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं तमाम पोस्टर बैनर लेकर के ये बेरोजगारों की संख्या, ये सरकार के ऊपर इस चुनाव में क्या पड़ती है। इसी बार विधानसभा है, तमाम प्रकार के सरकार पे आरोप लग रहे हैं। पिछले 6 महीने से बिहार के छात्र इतना नाराज चल रहे हैं कि तमाम प्रकार के आरोप लगाते हुए बिहार सरकार में सेटिंग गेटिंग का ज्यादा आरोप लग रहा है। क्या बिहार सरकार के नौकरियों में सेटिंग गेटिंग होती है? जी बिल्कुल बिल्कुल होती है। कितना पैसा में सेटिंग होता होगा? कम से कम 20 लाख में होता होगा। 20 लाख में? हाँ। दरोगा बहाली जी, दरोगा। सिपाही का कितना में होता होगा? सिपाही का नहीं पता हमको, 7 लाख, 7 लाख है उसका भी। 7 लाख? मतलब ये रेट खुल चुका है, ये कहाँ से खुला है? कहीं ना कहीं इसकी ऊंचे लोग जो बैठते हैं उन पे ये सवाल के घेरे में खड़ा करते हैं कि आखिर ऐसा रेट खुलता कैसे है। और इस प्रकार के जब बात चलेगी तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोग इसमें फंस सकते हैं, इसीलिए लगता है कि सरकार सीबीआई को नहीं दे रही है। छात्र के कई तरह के आरोप हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।